सबसे पहले बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉक का प्रेजेंटेशन बॉक्स है वहां पे कृष्णा जी की फोटो आई है, ये रहा। तो यहाँ पे फोटो है, तो सबसे पहले तो हम जो इसका कवर है इसको बहुत ध्यान से हम रखने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स है जिसके ऊपर लिख रहा है 100 ईयर्स हो गए, 1923 की कंपनी है, 2023 में कॉक ब्रांड को 100 साल हो चुके हैं। तब देखते हैं यहाँ पे कि अंदर क्या क्या निकलता है गिफ्ट बॉक्स में। ये वाला जो गिफ्ट बॉक्स आता है इसका अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं, देखो यहाँ पे लिख रहा है 2200 रुपये, बट ये जो मिलता है ये मिलता है 750 रुपये का। तब देखते हैं 750 या 800 रुपये में आपको मिल जाएगा। और जो अंदर आइटम है वो सारे के सारे यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जो लिख रहा है वो अंदर है या नहीं इसका हम पता लगाएंगे। तो यहाँ से तो आपने देख लिया क्या लिखा हुआ है, बट अंदर देखते हैं अब गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये खुला यहाँ पे, तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर देखो यहाँ क्या है। एक तो फ्लावर पॉट है यानी अनार निकले हैं, और ग्राउंड चक्कर चकरी निकली है। तो चकरी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अरे यार इन्होंने कितनी छोटी छोटी सी चकरी दी है, देख लो बहुत जरा जरा सी। अब इनकी टेस्टिंग भी करेंगे, देखेंगे कि कैसी चलती है। और ये अनार का जो साइज़ है ये साइज़ भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, साइज़ भी छोटा ही है खैर। और अगर देखें तो यहाँ पे बिजली बम का पैकेट है, क्या ये 50 पीस का 100 पीस का है? तो देखो पैकेट 100 पीस का, 50 पीस वाला भी आता है तो 100 पीस का पैकेट है, ये अच्छी बात है इसमें। और यहाँ पे ये निकली है पेंसिल, और इधर दो स्काई शॉट है, बस दो ही है, ये सिंगल वाले स्काई शॉट, एक 7 शॉट वाला है। और ये जेम्स निकली है, जेम्स यानी वो चटर पटर जो रहती है ये वो है यहाँ पे, ये रही तो चटर पटर निकली है इधर। और क्या है यहाँ पे, ये फूलझड़ियाँ निकली हैं जहाँ तक है, हाँ ये देखो ये रही फूलझड़ियाँ, और इधर थोड़ी सी और फूलझड़ियाँ, ये शायद से कलर वाली है ये वाली, और ये स्पार्कल वाली है। और इधर जो है ये मिनी रॉकेट है, ये सिटी वाला रॉकेट आता है ना उसका भी छोटा वर्जन दिया है, बहुत ही छोटा पैकेट बनाया ना ये रहा। ओह ये देखो कितने छोटे से रॉकेट है। और देखें यहाँ पे और क्या निकला है, और यहाँ पे मिनी बुलेट है ये रहा, बहुत छोटे छोटे से बुलेट बम जो आते हैं। और ये रहा, ये पहले लक्ष्मी बम के नाम से आता था, बट ये चीज़ उन्होंने सही कर दी कि भगवान जी की फोटो हटा दी यहाँ से और घोड़े की लगा रखी है। ये चीज़ उन्होंने बहुत सही करी, क्योंकि यार भगवान की फोटो लगा के पटाखों पे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ निकली है इस पैकेट में। अभी हम करते हैं टेस्टिंग इस वाले की, ये जो गिफ्ट बॉक्स हमने खोला था ना इसकी करेंगे, और ये टेस्टिंग होने के बाद फिर आएंगे हम ये किशन जी वाले पे, प्रेजेंटेशन बॉक्स जो है ना इस वाले को खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले घोड़े वाले को ही ले लेते हैं, देखते हैं घोड़े वाला कैसा फटता है। तो यहाँ पे ये आ गए, लड़ी नहीं है सारे अलग अलग है, फिर एक बुलेट लेंगे, फिर एक एक करके चलते हैं। बहुत बड़ी सही आवाज़ है, अगला ले लेते हैं ये मिनी बुलेट जो है, मिनी बुलेट की आवाज़ देखते हैं कैसी है। ओ भाई इसकी आई आवाज़ तो तगड़ी, मिनी बुलेट की आवाज़ बढ़िया थी। अब ये जो था ना जेम्स जो निकले थे चटरपटर सी, इसको देखते हैं ये कैसी चलती है क्या, ये क्यों नहीं चल रही। अच्छा ये काली काली सी ऊपर बस कागज़ है, तो इसको मैं लाइटर से नहीं जला रहा, कुछ फूलझड़ी जलाते उसके बाद करेंगे इसको। तो दो तरीके की फूलझड़ी थी, एक कलर और एक स्पार्कल, देखते हैं ऐसी है ये निकलती है नहीं। और अगर मैं दूसरी जला लूँ, हाँ देखो एक आवाज़ कर रही है और एक नॉर्मल जल रही है, ये वाली आवाज़ कर रही है और ये नॉर्मल जल रही है बिल्कुल, कलर तो नहीं है। और अगर इसको जला दें हम, ठीक है यार बड़ी देर तक चल रहा है, पर इस छोटी वाली चकरी को देखते हैं फिर इस अनार को देखते हैं। यार नन्ही सी हमारी बात भी ठीक ठाक चल रही है, अभी भी चल रही है, नहीं भी बंद। अरे यार देखो मतलब अपने साइज के हिसाब से कितनी बढ़िया चली है ना ये, ओह सही है यार, इतना छोटा सा होके अच्छी खासी हाइट पकड़ी है। ये स्काई शॉट और निकला था, बट इसके साथ कोई स्टैंड नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो ईंट के बीच में फंसा के तब इसको जलाएंगे। 7 शॉट एक ही निकला था, इसको भी देख लो, यार दिन में स्काई शॉट चला के ये चीज है, राख वाख जो गिरती है ना वो दिखती रहती है। स्काई शॉट और निकला था, बट इसके साथ कोई स्टैंड नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो ईंट के बीच में फंसा के तब इसको जलाएंगे। ये हमने फंसा दिया, और ये जली बत्ती, अब फटा नहीं। मेरी पेंसिल तो नॉर्मल पेंसिल जैसी होती है, बिल्कुल वैसी है, कुछ अलग तो है नहीं।
बल्कि आवाज के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि कैसे चलता। तो मैं इसके अंदर जला रहा हूँ इसको, ताकि फटे तो पता चले। ओ देखो फट गया। अगला गिफ्ट बॉक्स है यहाँ पे, ये प्रेजेंटेशन बॉक्स जिस पे किशन जी की फोटो छपी हुई है। अब इन्होंने ये कर दिया, पहले पटाखों पे दे देते हैं, अब चलो इन्होंने बॉक्स पे दिया है, बस पटाखों पे फोटो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अंदर क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे अगर मैं आइटम दिखाऊं तो देखो यहाँ पे देख लो, वरना अगर लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे ये रहा पीछे लिखी हुई सारी। और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस आता है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का गिफ्ट बॉक्स है, अगर देना चाहो तो किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अब अगर अंदर देखें तो जो पहले वाले गिफ्ट बॉक्स है अगर उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ये निकली है हंटर, जिसे हम बोल देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा निकला है। और जो उसमें था, उसमें रॉकेट मिनी वाला था, इसमें बड़े वाला थोड़ा सा, मतलब है विसल वाला ही बट उसका छोटा था, इसका थोड़ा सा बड़ा है। और देखें यहाँ पे, ये देखो इसमें पैरट निकला, उसमें घोड़ा निकला था, वो छोटा था ये बड़ा है। और इधर फ्लावर पॉट, ये जो अनार है, अनार का साइज़ बिल्कुल सेम है, अनार का साइज़ एकदम सेम निकला है, कोई फर्क नहीं है। बिजली बम का एक ही पैकेट है बिल्कुल वही 100 पीस वाला। और इधर यहाँ पे ये रहा, इसमें पेंटा शॉट निकलता है, एक 7 शॉट निकलता है, एक 7 शॉट दूसरे कलर का निकलता है, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है। स्पार्कल इसमें रेड कलर की है, एक ये वो वाली है आवाज़ वाली जो है, एक ये है क्रैकलिंग वाली स्पार्कल, ये आवाज़ करती है, पता नहीं कौन सी करती है इनमें, खैर। और देखें यहाँ पे और थोड़ी फूलझड़ी है, एक और फूलझड़ी है, बड़े वाली फूलझड़ी है, इसमें भी बड़ी फूलझड़ी है, तो फूलझड़ी काफ़ी सारी निकली है। और इधर जेम्स का पैकेट है, जैसे उसमें था बिल्कुल सेम जेम्स का पैकेट इसमें भी निकला है। और यहाँ पे ये रहा, ये क्या बिजली है, हाँ ये लड़ी जैसा बनाया हुआ, बट लड़ी नहीं है यार, ये लड़ी नहीं है, ये देखो मुझे लग रहा था लड़ी है, क्योंकि लड़ी इस बार मार्केट में कहीं पे भी नहीं है। ये रहा लड़ी नहीं है, सब अलग अलग है, बस लड़ी जैसा हमें लग रहा है तो लड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो इनका फ़ायदा नहीं है यार, ये तो बिजली बम दे दिए थे, बिल्कुल सेम चीज़ है ये, और ये बिल्कुल सेम ही होता है। अगर मैं दिखाऊं देखो, ये ऐसा है और बिजली बम, ये बिजली है और ये है, बिल्कुल सेम है, बस बाहर की पैकिंग का फ़र्क है, बाकी आवाज़ देख लेंगे अभी कैसी है। और ये निकले हैं, ये इसमें 4 निकले हैं, 2 हमने पहले निकाल दिए थे, 2 अब निकाल दी, 4 हो गए। और चक्री शायद पहले जितनी थी उससे बड़ी है ना, हाँ उस वाली से बड़ी है, जो इससे पहले वाला गिफ्ट बॉक्स था उसमें छोटी थी, इसमें थोड़ी बड़ी है। और ये निकली है पेंसिल, टॉर्च के नाम से पेंसिल है, ये थोड़ी अलग चीज़ है। और ये भाई हाइड्रोफोल्ड, ये धमाका बढ़िया रहता है इसका, हाइड्रोफोल्ड का इसकी आवाज़ आती है बहुत मस्त। तो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसी को जला के देखते हैं, इससे फूल रही, ये जला रहे चक्री, चक्री जल गई, अब कितनी देर तक जलेगी, पहले वाली बहुत नहीं जो थी। ये कर क्या रही है, रुक रुक के चल रही है, फुदक रही है चक्री, फुदक रही है, सरफेस अनइवन है ना तो इसलिए उछल रही थी, पर सही चली है, काफी देर तक घूमी है। ये चीज मुझे सही लगती है कॉक वालों की, बहुत देर तक चलते रहते हैं। पेंसिल अभी तक जल रही है, चक्री भी जल गई, सब जल गया, अब जाके बंद हुई है, तो ये भी बहुत देर तक जली है। अरे ये तो फुस्सी निकला, चलो इसकी अपने की आवाज देखो, लाल वाला एक और दियो, लाल वाले की देखते हैं, ठीक है यार आवाज तो बिल्कुल बराबर सी है, तो कोई फायदा नहीं हुआ लाल वाला अलग से दे रहेगा। ओ भाई कान सुन हो गया मेरा, तो सही आवाज है तोते की। अब की बार मैं दूर चला जाऊं, इसके लिए थोड़ी बत्ती छील रहा हूं इसकी मैं, यार इसकी आवाज तेज है ना, मुर्गे की आवाज ज्यादा तेज थी, एक कान अभी सुनी था दोबारा से और लग गया। तो अब हाइड्रोफोल्ड देखना कैसा फटेगा। अब लग रहा है कि दिवाली आई है, क्योंकि ये मोटे वाले सुतली वाले फटते ना, जिन पर रस्सी लिफ्ट रहते, तब जाके मजा आता, जो आवाज इसकी होती ना बाकी का पटपट होती है, इसकी बूम आती है तो मजा आता है। तो पहले 7 शॉट ही देखते हैं। ओए बोली फट गया, वो भी मुझे लग रहा था लास्ट वाला बच जाएगा, वो भी गया। अब देखो पेंटा वाला, बोरा बोरा वो शेल, मे भी यार दिन है थोड़ी अंधेरा नहीं इसलिए शायद दिखा नहीं, वरना हो सकता है फुस्सी निकला, वरना पेंटा ऐसा चलता नहीं, पेंटा बड़ा सही चलता है। अभी यहाँ पे एक हंटर बचा है, एक रॉकेट बचा है, और बाकी फूलझड़ी तो मैंने दिखाई थी, फूलझड़ी सेम होती है, बस छोटी बड़ी का फर्क है और कुछ नहीं। तो रॉकेट देखते हैं ये वाला कितना ऊपर जाता है, पहले हमने मिनी वाला देखा था, देखते सिटी वाला रॉकेट कहाँ तक जाए।
भाई इसकी स्पीड थी बहुत ही तेज गया। वो छोटे वाला था वो सीधा गया था, ये घूम गया, बट स्पीड जो नॉर्मल रॉकेट रहते हैं ना वो नॉर्मल वाले भी इतनी तेज नहीं जाते जितनी तेज ये गया। बहुत तेज स्पीड थी। तो ये हंटर कैसा चलता है ये रहा, क्योंकि नॉर्मल हंटर से थोड़ा सा अलग है ये रहा। अब देख लेंगे कैसा चल रहा है। इसका दम सा उठ रहा है यार, कैसे चल रहा पता नहीं, मरा मरा सा ऐसे चलेगा के? दोनों तरफ से चला दो फिर इसको। इधर से सही चल रहा है, इधर से मंदा चल रहा है। तो आपने देख लिया यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें निकलती है, मिनी वाले में भी देख लिया, और जो किशन भगवान वाला था प्रेजेंटेशन बॉक्स उसके अंदर क्या क्या निकलता है। बट एक चीज इन्होंने सही करी है कि सिर्फ डब्बे पे भगवान की फोटो दी है, वरना अगर पटाखों पे होती तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि क्या डब्बे के तो हम फिर भी थोड़ा साइड में रख सकते हैं तरीके से, इसको गंगा जी में सिला सकते हैं, बट जो पटाखा होता है जब फटता है तो पूरे में फैल जाता है, बहुत बुरा लगता है जो भगवान जी की फोटो आती है। पर अगर ये यहाँ भी ना दे तो भी अच्छा रहेगा कि गिफ्ट बॉक्स से भी हटा दे, गिफ्ट बॉक्स पे वैसे ही लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आपने देख लिया गिफ्ट बॉक्स कैसा होता है, अगर आपका मन करे किसी को देने का तो ऐसे गिफ्ट बॉक्स लाके अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, जहाँ मन करे वहाँ दे सकते हैं। और दिवाली पे बढ़िया एंजॉय करो, मजे लो। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।